नाजरीन और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। स्टूडेंट्स फेडरेशन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत AISF बहराइच यूनिट छात्र ने प्रवक्ता हफीज खान के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जयप्रकाश को सौंपा। कृषि कानून वापस लेने, अपने फसलों की MRP तय करने का अधिकार किसानों को देने, संशोधित श्रम कानून वापस लेने समेत कई अन्य मांगे की। संगठन के सदस्यों ने कहा कि जिस तरह AISF के छात्रों ने आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश के किसानों के साथ खड़े हुए थे, आज फिर से AISF उसी का अनुसरण करते हुए किसानों के सम्मान में पुनः मैदान में आ चुकी। यदि कृषि विभाग कानून वापस नहीं लिए गए और किसानों पर अत्याचार करना बंद न किया गया तो हम AISF के समस्त छात्र पूरे देश में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए अत्याचारी और सो सरकारी कानून को तोड़कर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ज्ञापन देते समय AISF अध्यक्ष मोहम्मद सुफियान खान, जिला प्रवक्ता हफीज खान, उपाध्यक्ष आकाश श्रीवास्तव, हर्ष वाजपेयी, आशीष वर्मा, नशीब, सूरज शुक्ला, अरुण कुमार समेत अन्य छात्र मौजूद रहे। रिपोर्ट मोहम्मद तालिब। सर, आप लोग अभी आए तो यहाँ पर क्या ज्ञापन दिया है? सर, हम इन लोगों ने अभी जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून पारित किए हैं जो एक्ट बन चुके हैं इस समय, उसके विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस काले कानून को वापस लेने तथा किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के अभी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन दिया आपने? जी, ज्ञापन दे दिया सर जी। उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि क्या मांग की है सर? जो तीनों कानून हैं, काले कानून लाए गए हैं जी, इसको तुरंत वापस लिया जाए और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल MSP तय करने का अधिकार किसानों को ही दिया जाए, क्योंकि हर कोई अपने प्रोडक्ट का अगर MSP तय कर सकता, MRP तय कर सकता है तो किसानों का यह अधिकार है कि वो भी तय करें, वो भी अपना तय करें। इसलिए हम लोगों ने यह भी मांग किया है कि किसानों को उसको MRP तय करने का अधिकार दिया जाए। और जो है ये नई शिक्षा नीति, इसके अंदर जो कमियां थी श्रम कानून को लेकर जो संशोधन किया गया, जिसमें काम के घंटे 4 घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए, इस कानून को संशोधन वापस लिया जाए, इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोगों ने अभी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे दिया। जी।